क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। इसमें आप डाल दिए फिर बच्चा आएगा ऐसा नहीं है। आप इसको प्रॉपर यदि हमको सही टाइम में वेट कराना है गेन, तो उसके लिए हमका इसमें सबसे अहम रोल रहता है बाईबैक का। भैया नमस्कार। हमारे दर्शकों को आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है, मैं ग्राम गोजी ब्लॉक कुरुद जिला धमतरी का निवासी हूँ। मैं खरगोश पालन करता हूँ, यह लगभग 3 साल हो गए मेरे को करते करते। ये मेरे घर के छत पे ही है और घर के छत के नीचे हमारा ट्यूशन क्लास भी चलता है। अच्छा, यानी कि पार्ट टाइम भी है और ये खरगोश पालन भी है, दोनों? हाँ, कर रहे हैं जी, दोनों है मेरे पास। अच्छा, ये अभी आपके फार्म में कितने खरगोश हैं भैया? अभी मेरे पास टोटल 150 खरगोश है। 150? तो ये कौन कौन सी वैरायटी खरगोश हैं भैया आपके पास? अभी मेरे पास 8 प्रकार की कुल प्रजाति है, जिसमें ब्लैक जाइंट है, वाइट जाइंट है, ग्रे जाइंट है, सोया चिंचिला है, न्यूजीलैंड वाइट है, डच है, सोवियत चिंचिला है। इस प्रकार से 8 प्रकार का ना टोटल मेरे पास ब्रीड भी है। तो ये आप किसी कंपनी के साथ टाई अप करके ये कर रहे हैं या स्वतंत्र कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं ये थोड़ा सा बताएंगे? हाँ ठीक है, ये हम कंपनी से टाई अप करके इसको कर रहे हैं। ये हमारे पास क्योंकि मार्केट नहीं था तो हम शुरू में इससे टाई अप हुए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ तो फिर हम इसको सेल पर भी सेल करते थे। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि कंपनी से जुड़े तो उस चीज़ को ही देना है। अच्छा, आप उनको भी दे सकते हो और सेल्फ भी बेच सकते हैं? सेल्फ भी बेच सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। ये हमको बताइए कि ये जैसे हमको खरगोश पालन शुरू करना है तो कैसे शुरू करेंगे, एकदम शुरू से बताइए भी हमको विस्तार से। देखिए, यदि कोई खरगोश पालन करना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड है, तो वो सबसे शुरू तो अपने आसपास में जो कर रहे हैं ना उससे जा कर के उसको डिस्कशन करना चाहिए कि एक्चुअल में खरगोश पालन करना सही है, क्या है, कैसे है। उसके बाद फिर यदि वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसे जो क्या है, आजकल बहुत सारे कंपनियां हैं जो बहुत फ्रॉड कर चुके हैं, तो वो जो कर रहे हैं ना उससे संपर्क करें, वो जो कंपनी बताएगा उस कंपनी के साथ फिर जुड़ जाए, वो फिर कंपनी से बात करें, फिर बाकी चीज़ कंपनी का रहता है। हमको क्या है, कम से कम हमारे पास जगह 1000 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, तो उस जगह पे हमको अपना सेट तैयार करना है। सेट तैयार करने में विशेष ध्यान दे, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्लस जो जाली होता है उससे ढका हुआ रहना चाहिए जिसमें बिल्ली आने की डर ना रहे। अच्छा, क्योंकि इससे बिल्ली बहुत ज़्यादा अटैक कर देते हैं। जैसे आप कंपनी से जुड़ने की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी क्या क्या देता है, इसके विषय में थोड़ा सा समझाएंगे क्या? कंपनी का इसमें सबसे अहम रोल रहता है बाईबैक का। अब कंपनी क्या है, इसको 10 यूनिट देने में हमको 3,20,000 से 3.5 लाख तक का पैसा वसूलते हैं हमारे से, जिसमें उसका खुद का ये फीडर बॉक्स रहेगा, ये कटोरी रहेगा और ये उसका जाली रहेगा, ये सब उनका रहेगा, प्लस खरगोश देंगे, खरगोश को छोड़ने का उसी का खर्चा रहता है। हमको खाली 3,20,000 रुपये बस देना है, बाकी सब वो करके हमको देंगे। अच्छा, वो यहाँ खरगोश ला के ये फीडर बॉक्स बना के, हाँ, केज बना के वो सब वो सब कंपनी देते हैं उसको। अच्छा अच्छा, भैया मेरे को एक बात बताइए, जैसे एक खरगोश व्यस्क होने में कितना समय लेता है ये बताएंगे? देखो, हमको व्यस्क करने का तो वो नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको पहले ऑलरेडी व्यस्क मिला हुआ रहता है। हम केवल यहाँ से बच्चा लेते हैं और जो बच्चा जो तैयार होते हैं वो 3 महीने में तैयार हो जाते हैं, फिर 3 महीने बाद फिर कंपनी को हम वापस दे देते हैं। तो अगर प्रॉपर फिट कराएं तो एक बच्चे को व्यस्क होने में 3 महीने लग जाए? 3 महीने लगते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे किए, इसको प्रॉपर यदि हमको सही टाइम में वेट कराना है गेन, तो उसके लिए हमको हमारे पास प्रॉपर मात्रा में हरा चारा की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, प्लस हरा चारा के साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पानी वानी का। यदि वो सब चीज़ करते हैं तो 3 महीने में प्रॉपर तरीके से ये वेट में आ जाते हैं, और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो ये 6 महीने में भी 1 किलो नहीं होता है। अच्छा, प्रॉपर फीडिंग में ध्यान देना? हाँ, प्रॉपर फीडिंग में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। इसमें आप डाल दिए फिर बच्चा आएगा ऐसा नहीं है, आपको सब चीज़ खुद करना पड़ेगा, क्रॉसिंग खुद करवाना है, क्रॉसिंग होने के बाद बच्चा आ रहा है उस समय पर आपको ध्यान देना है, जो मादा बच्चा देने वाले हैं उसको आप प्रॉपर तरीक़े से फिट कराएं, प्लस उस पर जो मेडिसिन लगता है जैसे कैल्शियम लिवर टॉनिक का, वो आप पहले से देते रहें, ताकि जो मादा बच्चा देने वाले हैं तो उसमें जो दूध है
वो अच्छा से आ सके। हमको एक बात बताइए, जैसे बॉयलर के लिए अलग से फीड आता है, बॉयलर मुर्गी के लिए, मछली के अलग से फीड आता है, तो इसके लिए भी कोई ऐसा फीड आता है या फीड की क्या व्यवस्था करनी पड़ती है ये बताइए। फीड के लिए देखो ऐसा है कि आप फीड देना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। रैबिट के लिए आपके पास यदि पर्याप्त मात्रा में हरा चारा की व्यवस्था होता है, इसके लिए हरा चारा स्पेशल लगता है जिसको बरसिम बोलते हैं, अल्फा अल्फा या इसको नेपियर हो गया, बाजरी हो गया, ये सब चीज़ का हम उपयोग करते हैं इसके लिए। और बरसात के दिनों में सबसे बढ़िया होता है इसके लिए करमत्ता भाजी, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। अच्छा। वो सबसे बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको, करमत्ता भाजी को। अच्छा, और तो हरा चारा ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्रकार के पैलेट फीड देने से। हाँ, ये आपके पास यदि हरा चारा नहीं है तब की स्थिति में आप पैलेट दो इसको। अच्छा। यदि आपके पास पर्याप्त तो मात्रा में हरा चारा है तो विदाउट इन्वेस्ट विदाउट एक्सपेंस पे आप यह फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत है ना, अपना अगर फीड ना देना पड़े पैलेट वाला। हाँ। तो सिर्फ हरा चारा देना पड़े करमत्ता भाजी खिला के हम, तो यानी काफ़ी हमारे कॉस्ट में कटिंग हो जाएगी। हाँ, पूरा। उसके लिए यदि आप देना भी चाहते हैं फीड, हरा ड्राई फीड, तो उसके लिए आपके पास यदि रॉ मटेरियल होता है जैसे कि मक्का, सबसे ज़रूरी होता है मक्का इसका, गेहूँ का चोकर हो गया, और कोढ़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, कोढ़ा को क्या बोलते हैं, राइस ब्रान बोलते हैं, राइस ब्रान वो चीज़ें हम मिक्स करके उसमें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमको मिनरल मिक्सचर का मिलावट करना है, तो वो चीज़ मिला करके भी हम दे सकते हैं। घरेलू भी फीड बना सकते हैं, घरेलू फीड आप बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसके लिए मार्केट में कोई स्पेशल फीड भी नहीं है। और जो बना भी रहे तो उसका रेट काफ़ी हाई फाई है, एक किलो का हमको 40-45 रुपये के जी पड़ता है, जिससे किसान क्या होता है बहुत ज़्यादा लागत में चला जाता है, उतने इसमें मतलब जो इनकम होना चाहिए वो इनकम उसको पूरे फीड में चला जाता है, इसलिए किसान खुद एक लागत खींचने वाला चीज़। हाँ, लागत चला जाता है, तो इसलिए किसान इसमें खुद तैयारी करे, थोड़ा से मेहनत करे और हरा चारा विशेष रूप से लगाए। अच्छा। हाँ। आप भैया मेरे को एक बात बताइए, जैसे खरगोश का हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो इस खरगोश एक साल में कितने बार बच्चा देता है और कितना, एक बार में कितना एवरेज बच्चा देता होगा? ये आपका डिपेंड करता है क्रॉसिंग के ऊपर। वैसे खरगोश तो हर 30 दिन में बच्चा दे सकता है। अच्छा। हाँ, जिस लेकिन हमको क्या है बिजनेस करना है, तो हम साल में इसको 5 से 6 बार, अधिकतम से अधिकतम 5 से 6 बार ही लेना है। और एक बार में खरगोश का बच्चा देने का जो वो है वो मिनिमम 4 से लेकर के 12 तक का रहता है एवरेजिंग इसका। एवरेज मतलब 5 बच्चा हम लोग मानते ही मानते हैं। मिनिमम 5 तो देगा, मिनिमम 5 बच्चा आपका बचेगा ही बचेगा। अच्छा। हाँ। भैया जैसे बचेगा आप बात कर दिए हैं, तो मेरे को एक बात बताइए, मृत्यु दर क्या है इनकी, मॉर्टेलिटी रेट क्या है? देखो ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपके देखभाल के ऊपर। कैसे देखभाल, जिस समय मादा प्रेग्नेंट हुए हैं तो हमको पता है कि 30 दिन में बच्चा देने वाली है, तो हमको बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद जो करना चाहिए वो हमको करना बहुत अनिवार्य रहता है। यदि नहीं करते तो उसी दौरान पे हमारा मोर्टेलिटी जो संख्या रहता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमको क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, जो बच्चा देने वाली है तो उसको हमको बेबी बॉक्स रखना है। बेबी बॉक्स रखने के बाद इसको प्रॉपर तरीका से फीड और कैल्शियम की मात्रा बढ़ा करके देना है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा कि उसके दूध की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से फीडिंग करते हैं तो वो तंदुरुस्त रहता है, मस्त रहता है वो। अच्छा अच्छा। भैया मेरे को एक, अब थोड़ा सा गणित में हम आ जाते हैं कि मेरे को ये बताइए कि एक वयस्क खरगोश कितना रुपए तक बिक जाता है, तो और उस हिसाब से हमको क्या आमदनी होती है। यानी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक खरगोश को हमको वयस्क करने में क्या लागत आ जाती है, क्या विक्रय मूल्य मिलता है, तो किसान के पास जेब में कितना पैसा बचेगा, मैं ये जानना समझना चाह रहा हूँ आपसे। देखो यदि आप हर चीज़ मार्केट से ले करके करते हैं तो खरगोश पालन में आपको कोई फायदा नहीं है, सबसे साफ सुथरा बात। और यदि आप इसको खुद के खेत पे लगा करके कोई हरा चारा उगा रहे हैं, आप ड्राई फीड की थोड़ा से इधर उधर से व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसमें आपको पूर्णतः 50% मार्जिन ही मार्जिन है, है ना? अच्छा। अब वो कैसे होगा बताते हैं,
एक वयस्क खरगोश को हमको 3 महीने में अधिकतम से अधिकतम हमको 125 रुपये से 150 रुपया खर्चा होता है 3 महीने में उसको 2 किलो करने में। 2 किलो तक, 2 किलो तक करने में आपके पास यदि पर्याप्त मात्रा में हरा चारा है तो आपको 2-3 महीने लगेगा अधिकतम इसको, मतलब ये कंपनी को लेने लायक 1.5 से 2 किलो जो बोलते हैं उस दौरान करने में। तो हमारा एक खरगोश जो है 450 से 500 के बीच में बिकता है। अच्छा, है ना, क्योंकि इसका 260 रुपये ऐसी के जी है, तो 1.5 किलो जाते तक ना 450 या फिर 500 रुपये तक हो जाता है वो। तो वो हम एक यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर खर्चा, मेडिसिन खर्चा, फीड वीड करके ना 200 रुपये भी काटते हैं तो हमको 200 रुपये पर रैबिट मिल ही जाता है। अच्छा, जैसे अगर गिरे से गिरे हालत भी में माने तो 400 रुपये में तो एक खरगोश बिक ही जाएगा, बिक ही जाएगा कोई और मैक्सिमम अगर लागत भी माने तो 200 रुपये से ज़्यादा लागत आएगी। 200 रुपये अच्छा। मैं साफ सुथरा बता देता हूँ कि ये 200 रुपये जो बोल रहा हूँ वो है आपके खुद की मेहनत के ऊपर। यदि आप मार्केट से नहीं खरीदते हैं तो कई किसान क्या करते हैं, हरा चारा नहीं है करके मार्केट से खरीद करके लाते हैं, जैसे पत्ता गोभी खरीद करके ला रहे हैं, करमत्ता भाजी खरीद करके ला रहे हैं, तो उसमें क्या है हमारा लागत बढ़ जाता है, है ना। तो जो किसान घरेलू उपाय करके अगर करें तो लागत काफी कम कर सकते हैं, करना है तो आप बहुत ही कम लागत में रैबिट फार्म कर सकते हैं। जैसे 3 महीने के हिसाब से अगर उस समय से सोचें हम, जैसे आपका ये 10 यूनिट है, 100 खरगोश है, तो एक खरगोश के पीछे हमको शुद्ध इनकम एवरेज 200 रुपये हो रहा है, 200, तो 100 खरगोश के पीछे हम ये मान लेते हैं कि 20,000 रुपये लगभग 3 महीने में, यानी 90 दिनों में हमको शुद्ध मुनाफा मिल सकता है, वो भी हमारे घर की छत से। यानी हमको कोई ऐसा शेड नहीं बनाना है और कुछ ऐसा स्पेशली ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, नहीं करना है, अपने घर की छत से 3 महीने में 20,000 रुपये कमा सकते हैं इजीली, है ना। बकरियों जैसा इसमें चिंता नहीं है कि चराने भेजना है, गाय जैसा नहीं है कि भैया रोज दूध दूहना है और ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हम अपने घर से खड़े खड़े 90 दिनों में या 3 महीनों में 20,000 रुपये तक एवरेज शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं पर मंथ अपन ऐसा कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ सर, इसमें क्या कोई वैक्सीनेशन वगैरह होता है, कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल वगैरह होता है इसमें? हम लोग यदि देखा जाए तो मैंने 3 साल होने वाला है, अभी तक का ऐसा कोई वैक्सीनेशन नहीं किया है ना, मेरे को अभी तक तो कोई डॉक्टर ने ऐसा सलाह दिया है। इसमें मैंने सबसे जो उचित ध्यान रखा है वो है इसमें जो पानी में मिला करके जो दवाई देते हैं वो आप यदि प्रॉपर तरीक़ा से देंगे तो ना तो सर्दी लगेगा, ना खांसी आएगा, ना तो इसको किसी प्रकार का कोई फंगस लगेगा। हमको वैक्सीनेशन कब करना रहता है? जब उसको कोई फंगस लग जाता है। अच्छा। हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं करना रहता है। अच्छा, ऐसा कोई खास वैक्सीनेशन के शेड्यूल? वैक्सीनेशन कोई खास नहीं। एक और मैं एक मेरे मन में क्वेरी आई है सर कि जैसे क्या खरगोश पालन करना है तो हमको क्या किसी प्रकार का लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी क्या सर? कोई प्रकार की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा मान्यता हमारे पशुपालन पे ही जुड़ा हुआ है, तो जिस भी कंपनी से आप जुड़ेंगे वो आपको पूरे सर्टिफिकेट दे करके जाते हैं, ऐसे किसी को कोई बंदिश भी नहीं रहता है। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे किसान भाइयों के लिए पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका ये वीडियो देख के कोई किसान भाई प्रेरित होता है, शुरू करना चाह रहा है, तो उसको शुरू करने के लिए क्या सावधानी रखे ताकि उसको लॉस ना हो? क्योंकि नए नए में क्या अक्सर सर किसान देखते हैं, शुरू करते हैं और कई बार फंस जाते हैं, तो किस बात का सावधानी रखे कि वो नुकसान से बच पाइए, थोड़ा बताएंगे सर? सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है जो भी किसान करना चाहते हैं वो एक बार अपने आसपास के फार्मर से जाके मिले, अपने खुद से कंपनी न ढूंढे, क्योंकि वो किसान कर रहे 3 साल से 4 साल से तो उसको खुद पता है कि कौन से कंपनी अच्छा है, वो उसी से मिल करके काम करे। इसमें खरगोश पालन में फ्रॉड का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे सावधानी होकर के काम करें जिससे उसको नुकसान ना हो। इतनी कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी।